दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज का ब्लॉग बहुत यूनिक होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपको एक बुक के बारे में बताऊंगा जिस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों रमेश नाम का एक लड़का था जिसके दो डैड थे। गलत मत समझना, एक डैड जो उसका खुद का था और दूसरा जो उसके दोस्त का डैड था जिसे वो मुंह बोला डैड भी मानता था। एक डैड उसका जिसने PhD करी हुई थी और एक डैड जो उसके दोस्त का डैड था वो 8वीं फेल था। तो जो उसका खुद का डैड था वो कहता था कि एक्सपेंसिव चीज़ के बारे में मत सोचो क्योंकि हम उसे नहीं खरीद सकते। वहीं पे उसका जो दूसरा डैड था जिसे वो मानता था वो कहता था कि एक्सपेंसिव चीज़ के बारे में सोचो, जो जो चीज़ आपको पसंद है उसके बारे में सोचो ताकि आप सोचोगे तो नए नए रास्ते ढूंढोगे उसको खरीदने के। और वो डैड उसको हमेशा यही चीज़ बताता था। दोनों डैड इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थे। बस फर्क इतना था कि दोनों का सोचने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। जो उसका रियल डैड था वो हमेशा यही कहता था कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी जॉब या अच्छे पोस्ट पे जा सको। और वहीं पे जो उसका दूसरा डैड था जिसे वो डैड मानता था वो हमेशा ये कहता था कि आप अच्छे से एक्सपीरियंस करो, हर एक चीज़ को अच्छे से समझो ताकि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सको और आप बहुत सारे लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बना सको। और इसी के कारण आगे आने वाले 4 से 5 साल बाद जो उसका दूसरा डैड था जो 8वीं फेल था उसने अपना एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करा और वो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल मैन बन गया। वहीं पे जो उसका दूसरा डैड था जो जिसने PhD करी थी वो वहीं का वहीं रह गया क्योंकि वो हमेशा अपने लिमिट में रहा। अब मैं आपको इसके अलावा एग्जांपल में बताता हूँ कि दो दोस्त होते हैं जिसका नाम चिंटू और मिंटू होता है। दोनों की सेम पोस्ट होती है जॉब की और सेम सैलरी होती है। अब जैसे ही सैलरी दोनों को मिलती है तो जिसका नाम पिंटू था वो पिंटू अपने एक्सपेंस और लाइबिलिटी के ऊपर अपनी सैलरी पूरी इन्वेस्ट कर देता था। जैसे कि उसने गैजेट्स खरीद लिए, बाइक्स खरीद ली, क्लोथ्स खरीद लिए, फूड्स के ऊपर खर्च कर दिया या अपने फैशन के ऊपर खर्च कर दिया, जिसकी वजह से वो अपने सारे ही पैसों को लाइबिलिटी की तरह इन्वेस्ट कर देता था। और वहीं पे जो दूसरा दोस्त था वो अपने पैसों को एसेट्स की तरह इस्तेमाल करता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट में या रियल स्टेट्स में, या अपने पैसों को एक गुड एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसेट्स और लाइबिलिटी क्या क्या डिफरेंस है। एसेट्स वो होते हैं जो आपके पैसे का सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं, मतलब कि एसेट्स आपके सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं। वहीं पे लाइबिलिटी वो होती है जो आपके पास से पैसे जाते हैं और वो खर्च हो जाते हैं, मतलब एक्सपेंस के ऊपर जाते हैं। कोई भी अगर आप चीज़ गैजेट्स खरीदोगे तो वो आपके एक्सपेंस को काउंट करेंगे। वहीं पे जो एसेट्स होते हैं वो आपके इनकम को डबल करने में मदद करते हैं। तो यही फ़र्क था कि दोनों की सेम पोजीशन थी तो जो पिंटू था वो हमेशा अपने पैसों को एक्सपेंस की तरह यूज़ करता था, जिसकी वजह से जो उसकी सैलरी थी वो बहुत लिमिटेड थी और उसके एक्सपेंस भी उसकी सैलरी को ख़त्म कर देते थे। वहीं पे जो चिंटू था वो अपने पैसों को एसेट्स की तरह यूज़ करता था, जिसकी वजह से वो अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाता था, जिसकी वजह से आगे आने वाले 2 से 3 साल बाद वो जो चिंटू था उसने अपना एक खुद का बिजनेस क्रिएट करा और वो एक अच्छा सक्सेसफुल मैन बन गया। वहीं पे जो पिंटू था वो हमेशा अपने आप को कोसता रहा उस लिमिटेड सैलरी की वजह से। तो अब आप समझ पा रहे होगे कि कितना फ़र्क पड़ता है आपकी थिंकिंग के ऊपर। अब मैं आपको इनका फ्लो बताता हूँ, फ्लो ऑफ कैश। जो पुअर इंसान होता है वो हमेशा अपनी सैलरी को एज अ एक्सपेंस यूज़ करता है कि जो उसके एक्सपेंस है उसी के ऊपर खर्च करता है। मिडिल क्लास अपनी सैलरी को एक्सपेंस और लाइबिलिटी के ऊपर खर्च करता है। मिडिल क्लास और पुअर में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा अपने पैसों को एसेट्स की तरह यूज़ करते हैं ताकि, और एसेट्स से जो पैसा इनकम जनरेट होता है उसको अपने एक्सपेंस के ऊपर डालते हैं, मतलब कि वो अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते रहते हैं। इसी की वजह से जो रिचेस्ट लोग होते हैं वो रिच पे रिच हो जाते हैं और जो मिडिल क्लास और पुअर वो पुअर पे पुअर, क्योंकि वो अपने पैसों को एज अ एक्सपेंस और एज अ लाइबिलिटी यूज़ करते हैं। तो यही फ़र्क होता है एक गुड बिजनेसमैन या गुड रिचेस्ट मैन बनने में और पुअर और मिडिल क्लास पर्सन बनने में। तो यही कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको रिचेस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर।